जब रामचंद्र जी को वनवास हो गया और राजा दशरथ जी का डेथ हो गया, तब जाकर के भरत जी और शत्रुघ्न जी को खबर दिया गया कि आप आइए, ऐसा ऐसा आपके यहाँ हो गया है। तो वो आए तो भरत जी ने वशिष्ठ जी से पूछा कि आप तो ब्रह्मा पुत्र थे, आप इतने नॉलेजेबल हैं कि आपको भूत भविष्य वर्तमान तीनों पता है, फिर आपने मेरे को पहले क्यों नहीं बुलाया? क्योंकि आपको पता है कि भैया राम चले गए वनवास, तो मैं राजगद्दी पे नहीं बैठूंगा, ये आपको अच्छे से पता है। तो बोले हाँ, फिर आपने मेरे को क्यों नहीं बुलाया? अगर मैं पहले आ जाता तो क्या होता कि मैं जाने नहीं देता भैया को वनवास। और बोल करके बहुत रोए। तो उनको रोते हुए देख करके वशिष्ठ जी को बहुत पीड़ा हो रहा है और बहुत दर्द से उन्होंने रामायण में तुलसीदास जी ने लिखा है कि सुनहु भरत भा भी प्रबल बिलखे कहो मुनिनाथ, हान लाभ जीवन मरण जस अप जस विधि हाथ। ये छह चीजें जो है ना, हान लाभ जीवन मरण जस अप जस, ये छह चीजें पूर्व निर्धारित है, जो आपके लाइफ में जो होना है वो होगा ही। दुनिया का कोई एस्ट्रोलॉजर कोई साइंटिस्ट आपको बचा नहीं सकता। इवन कि भगवान भी बोलते हैं कि अगर इसके प्रारब्ध में ये लिखा हुआ है तो इसे मैं खत्म नहीं कर सकता। तो फिर एस्ट्रोलॉजी की जरूरत क्या है? मेरे पास क्लाइंट आते हैं, बड़ा कभी कभी तो मेरे को बड़ा हंसी आती है। क्लाइंट आता है, ठीक है आप जो मर्जी पैसा ले लो, लेकिन मेरा ये प्रॉब्लम है, ये ठीक हो जाएगा, ये आप बता दो। मैं बोला भैया अगर प्रॉब्लम ठीक करने का ताकत या समर्थ मेरे अंदर होता तो सबसे पहले मैं मुकेश अंबानी होता इंडिया का। मैं क्यों फिर आप लोगों के साथ बैठ के पढ़ा रहा होता या उनका मैं बैठ के प्रडिक्शन कर रहा होता? मेरे भाग्य में मेरे जो प्लैनेट्स ने लिख रखा है उसको मैं पहले मजबूत करता और मैं आज दुनिया का सबसे टॉप अमीर आदमी होता। मेरे या आपके बस का नहीं है किसी के प्रॉब्लम को खत्म कर देना। जैसा कि मजुमदार जी ने बोला, बहुत अच्छा लगा मुझे, मजुमदार जी ने बोला कि हम ये जान सकते हैं कि हमारे प्रडिक्शन से सामने वाले का क्या प्रॉब्लम आने वाला है। जैसा कि आपको लिखा हुआ है कि आपको फर्स्ट फ्लोर से नीचे गिरना है, ये आपके प्रारब्ध में है, इसे कोई काट नहीं सकता। तो हम आपको बता देंगे कि देखिए जी, इस महीने से इस महीने के बीच में आप एक मंजिल से नीचे गिर सकते हैं। अब क्या होगा, आप सावधान रहोगे। आप जैसे एक फ्लोर पे या चार फीट ऊंचाई पे भी आप खड़े हो और पीछे से अचानक कोई पुश करते, कैसा गिरोगे? पूरा मुंह हाथ नाक सब फूट जाएगा, सब टूट जाएगा, हाथ पैर भी टूट सकता है। लेकिन आपको बता करके और 8 फुट ऊंचाई से भी धक्का दिया जाए ना, तो आपको चोट तो लगेगी लेकिन कोई नुकसान नहीं होगा। ये होती है एस्ट्रोलॉजी, ये होती है न्यूमरोलॉजी। हमारा जब कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा ना, सामने वाले नेटल का भी, नेटल जो लोग प्रेडिक्शन कराने आते हैं उसे हम लोग नेटल बोलते हैं, तो जब नेटल को ये हम क्लियर करा देंगे कि मेरे पास आए हो तो पहले अपना एक्सपेक्टेशन नीचे लेकर के आओ। जैसे ही वो अपना एक्सपेक्टेशन को नीचे लेकर के आएगा, तब आप उसके लिए कोई उपाय बताओगे प्रडिक्शन करके, तब उसे आप जब रेमेडी दोगे, उस रेमेडी का 10% 15% 20% भी उसे फायदा मिलेगा ना, तो आप उसके लिए उस समय के लिए भगवान बन जाओगे। समझ आ रहा है आप लोगों को? यही एस्ट्रोलॉजी है और यही न्यूमरोलॉजी है। जैसे एक कोई इंसान है जिस डॉक्टर ने डायग्नोस कर दिया और बोल दिया कि भैया आपको तो डायबिटीज हो गया, क्या करता है वो? डायबिटीज तो ठीक नहीं होता तो क्या करता है? भैया एक्सरसाइज करना शुरू कर दो, मीठा चीज कम खाओ, आलू कम खाओ, चावल कम खाओ, मिठाई कम खाओ। तो वो प्रडिक्शन दे करके आपको सावधान कर दिया कि अब ये चीजें आप नहीं करोगे तो आपकी बीमारी आपको कुछ बिगाड़ नहीं पाएगी। यही न्यूमरोलॉजी है, यही एस्ट्रोलॉजी है, यही हमारा प्रडिक्शन है, इससे ज्यादा कुछ भी नहीं है। दुनिया का कोई रेमेडी नहीं है जो आपका प्रॉब्लम को खत्म कर दे, कम कर देगा, ज्यादा कर देगा।